Union Minister of External Affairs Sushma Swaraj has said there was a likelihood that Prime Minister Narendra Modi and Pakistan's Prime Minister Nawaz Sharif would meet in New York. This would be on the sidelines of the UN General Assembly session later this month. जैसी स्थितियां बनेंगी, जैसे स्थितियों का निर्माण होगा, उसी तरह से हम रिस्पॉन्ड करेंगे। पहले से कोई चीज तय करके नहीं जा रहे हैं। We have very good relationship with China, but I must articulate that our relationship is that of cooperation and competition. But when Prime Minister Modi met President Xi Jinping in Fortaleza, they had very good equation, very good equation. And I think the outcomes of this visit will be substantial and solid. और ये पहला मंत्रालय है मित्रों, जिसने शपथ लेने के तुरंत बाद काम शुरू कर दिया, क्योंकि एक बड़ी पहल प्रधानमंत्री ने की थी कि स्वेरिंग इन सेरेमनी पे सभी सार्क के राष्ट्राध्यक्षों को, सभी हेड्स ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट्स को उन्होंने बुलाया था। और मैं ये मानती हूं कि उनका बुलाना जितना महत्वपूर्ण था, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण था उन लोगों का इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करना और उनका यहां आना। उन सबने निमंत्रण स्वीकार भी किया और वो सब आए भी, और इसीलिए मैंने कहा कि तुरंत बाद से हमारी डिप्लोमेसी शुरू हो गई, क्योंकि इधर शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ और उधर राष्ट्रपति के यहाँ रात्रि भोज हुआ सबके साथ। और बिल्कुल अगले दिन यानी चंद घंटों बाद ही आठों के साथ बायलेटरल्स हुए, यानी सार्क के चार देश हम तीन महीने के भीतर भीतर कर रहे हैं। दूसरी हमारी पॉलिसी का एक बड़ा प्रिंसिपल था लुक ईस्ट, जो अटल जी के समय शुरू हुआ था, और हम कहते थे कि हमारी पॉलिसी का दूसरा खंबा है लुक ईस्ट। अपनी इस पॉलिसी को हमने कैसे पूरा किया? लुक ईस्ट को सामने रखते हुए मेरी म्यांमार की यात्रा हुई, सिंगापुर की यात्रा हुई, वियतनाम की यात्रा हुई, प्रधानमंत्री जी की जापान की यात्रा हुई, और इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दिए। जब चीन के विदेश मंत्री यहां आए तो उनको मैसेज दिया कि वी बिलीव इन वन चाइना पॉलिसी, यू शुड ऑल्सो बिलीव इन वन इंडिया पॉलिसी। अमेरिका के विदेश मंत्री जब जॉन कैरी यहां आए तो उन्हें संदेश दिया कि आप हमें दोस्त भी कहते हैं और हमारी जासूसी भी करते हैं, दिस इज अनएक्सेप्टेबल टू अस। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने जब सेपरेटिस्ट को दावत दी तो हमने संदेश दिया, आइदर यू टॉक टू देम और यू टॉक टू अस। इन सब चीजों से एक चीज उभर कर आई कि गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है, सरकार बहुत मजबूत है। Powered by NNIS.